वेलकम टू द पाकिस्तानी ब्रोज रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से। तो मेरा नाम वजाहत है, मैं हूं बशर। सर आज वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने लगी है, काफी रिक्वेस्टेड वीडियो है। तो वीडियो का जो टाइटल है वो है भारत के मिसाइल चीन की S-400 को ऐसे मारेगा कि वो खुद भी हैरान हो जाएगा। तो मतलब कौन सा मिसाइल है, क्या मतलब भारत के पास है सब कुछ? शायद तोड़ S-400 का, वही तो मतलब इंडिया के पास है। तो जल्दी से पहले वीडियो देखते हैं। टेक्नोफीरिया की वीडियो ओरिजिनल लिंक आपको इनका मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो काउंट ऑन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों S-400 एक ऐसा सिस्टम है जिससे पूरी दुनिया खौफ आती है। S-400 का इतना खौफ इसलिए है क्योंकि इसका रेंज 400 किलोमीटर है और यह 400 किलोमीटर के रेंज में किसी भी उड़ती हुई चीज को मार गिराने में सक्षम है। यह सिस्टम इतना दमदार है, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि यह सिस्टम अमेरिका के किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल और एयरक्राफ्ट को मार गिराने में सक्षम है। ऐसे में इस मिसाइल का चीन के पास होना भारत के लिए किसी बिल्कुल सही का नहीं है, क्योंकि आए दिन भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव बढ़ जाता है और यह तनाव कब एक बड़े युद्ध में बदल जाए कोई और हमेशा चीन भारत और चीन आमने सामने आते हैं तो जाहिर है भारत के मिसाइल सिस्टम और एयरक्राफ्ट को मार गिराने के लिए चीन इसका भरपूर इस्तेमाल करेगा। मगर भारत के पास एक ऐसा मिसाइल सिस्टम भी मौजूद है जो न सिर्फ S-400 को चकमा दे सकता है बल्कि वह मिसाइलों को मार गिराने वाले S-400 को ही मार गिरा सकता है। कौन से? तो आज के इस वीडियो में हम इसी मिसाइल सिस्टम के बारे में जानेंगे। लेकिन इस मिसाइल के बारे में जानने से पहले हम दुश्मन देश के S-400 की ताकत और खूबियों के बारे में समझते हैं। S-400 एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो आज के समय काफी उन्नत और एडवांस है। यह मिसाइल सरफेस मिसाइल दागी गई मिसाइल या एयरक्राफ्ट को आसानी से मार गिरा सकता है। यह 300 किलोमीटर के क्षेत्र को रडार के जरिए स्कैन करता रहता है और जैसे ही कोई एयरक्राफ्ट या मिसाइल इसके 300 किलोमीटर के रेंज में आती है उसे यह आसानी से डिटेक्ट कर लेता है। लेकिन S-400 के सिस्टम में एक ऐसा मिसाइल भी होता है जो 400 किलोमीटर के रेंज तक किसी भी मिसाइल या देने वाली बात यह है कि चीन MTCR का मेंबर नहीं है और जो देश MTCR का मेंबर नहीं होता वह ना तो 300 किलोमीटर से ज्यादा रेंज वाले मिसाइल को खरीद सकता है और न ही बेच सकता है। इसलिए चीन ने जिस S-400 को खरीदा है वह सिर्फ 250 किलोमीटर के रेंज तक है और यही रेंज चीन के S-400 की सबसे बड़ी कमजोरी है और युद्ध में इसी कमजोरी का फायदा भारत उठा सकता है, क्योंकि भारत दुनिया के सबसे घातक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस के बाद बड़े ही आसानी से S-400 को मार गिरा सकता है, क्योंकि ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल की रेंज 290 किलोमीटर की है। वहीं इसकी स्पीड 3 मैक यानी आवाज से 3 मिनट यानी यह मिसाइल 1 सेकंड में ही कर लेता है। वहीं भारत ने इस मिसाइल को और अधिक घातक बनाने के लिए इस मिसाइल को सुखोई से भी अटैच कर दिया है जिससे यह मिसाइल 400 किलोमीटर के रेंज में मार करने में सक्षम हो जाती है। अब आप जान चुके हैं दोस्तों कि चीन के पास जो S-400 सिस्टम है वह 250 किलोमीटर तक मिसाइल दाग सकता है, वहीं ब्रह्मोस 400 किलोमीटर तक मार कर सकता है। वहीं अगर हम चीन के S-400 को ब्रह्मोस द्वारा मार गिराना हो तो ब्रह्मोस को 300 किलोमीटर के रेंज से फायर करना होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि S-400 कोई ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं है, वह एक ट्रक के साइज का टारगेट है। द्वारा 300 किलोमीटर के रेंज में जाकर भी फायर करता है तो S-400 इसे डिटेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि S-400 जो चीन के पास है वह 250 किलोमीटर तक ही डिटेक्ट कर सकता है और यही 50 किलोमीटर का फासला ब्रह्मोस को चीन के S-400 को मार गिराने का मौका देता है। कैसे, आइए जानते हैं। दोस्तों अब मान लो कि युद्ध के समय चीन ने बॉर्डर पर 2 से 3 S-400 को तैनात कर रखा है। ऐसे में भारत सबसे पहले चीन के तरफ डिकॉय यानी नकली सरफेस टू एयर मिसाइल लॉन्च करेगा और यह मिसाइल एक नहीं बल्कि कई सारे होंगे, क्योंकि भारत को यह पता नहीं है कि चीन का S-400 असल में कहां पर तैनात है। जब भारत अपनी नकली मिसाइल लॉन्च करेगा तब S-400 उस मिसाइल को डिटेक्ट कर मार गिराने के लिए अपना मिसाइल लॉन्च कर देगा। जैसे ही S-400 अपना मिसाइल लॉन्च करेगा वैसे ही भारत अवैक्स यानी अर्ली वार्निंग सिस्टम जो सीमा पर उड़ रहा होगा उसे पता चल जाएगा कि भारत की ओर मिसाइल लॉन्च कर दी गई है और तो पता लगा लेगा कि मिसाइल असल में कहां से लॉन्च हुई है और भारत को लोकेशन इस तरह ढूंढेगा पता चल जाएगी। जैसे ही भारत को चीन के S-400 का लोकेशन पता चलेगा वैसे ही भारत अपने पुराने सरफेस टू एयर मिसाइल चीन के हम सबको पता है कि S-400 36 टारगेट को एक साथ डिटेक्ट कर सकता है। ऐसे में भारत ने अगर 36 सरफेस टू एयर मिसाइल S-400 की तरफ ताक दिए तो S-400 अब इससे ज्यादा किसी भी चीज को डिटेक्ट नहीं कर सकता। अब S-400 को मार गिराने के लिए सुखोई सामने आएगा और वह तुरंत S-400 के 300 किलोमीटर के रेंज में पहुंच जाएगा और तो और सुखोई को मारे जाने का भी कोई खतरा नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है कि S-400 250 किलोमीटर के रेंज तक ही मार कर सकता है।
जैसा ही सुखोई ब्रह्मोस को लॉन्च करेगा और जब तक वैसा ही ब्रह्मोस डिटेक्ट करेगा तब तक ब्रह्मोस उड़ा देगा उसे S-400 की ओर बढ़ेगा। अब आप लोगों के मन में शायद यह सवाल आ रहा होगा कि S-400 ब्रह्मोस को डिटेक्ट कर लेगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हाँ S-400 ब्रह्मोस को डिटेक्ट तो करेगा मगर वह इसे सिर्फ 40 किलोमीटर से ही डिटेक्ट कर पाएगा क्योंकि ब्रह्मोस एक हाई स्पीड क्रूज मिसाइल है जो बहुत नीचे उड़ती है और जो S-400 का रडार है वह ऊंचे टारगेट को डिटेक्ट कर पाता है। ऐसे में ब्रह्मोस जब S-400 के 40 किलोमीटर के रेंज में पहुंचेगा तभी इसे डिटेक्ट कर पाएगा लेकिन तब भी S-400 ब्रह्मोस को नहीं मार पाएगा क्योंकि S-400 पहले से ही कई टारगेट को डिटेक्ट कर उन्हें लॉक कर चुका होगा। ऊपर से ब्रह्मोस की गति इतनी होगी S-400 के पास सिर्फ 40 सेकंड ही। ऐसे में आपको लगता है कि S-400 किसी भी जन्म में हमारे ब्रह्मोस को मार गिराएगा कभी नहीं और यही सेम प्रोसेस चीन के बाकी तैनात S-400 को मार गिराने के लिए भारत अप्लाई करेगा। जैसे ही भारत चीन द्वारा S-400 को मार करेगा वैसे ही चीन की सारी अकड़ निकल जाएगी। तो दोस्तों ब्रह्मोस ही है जो चीन के S-400 को मार गिराने की काबिलियत रखता है। तो ब्रह्मोस के लिए एक लाइक और एक शेयर तो बनता है। आशा है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। साथ ही बगल में इसी साथ हुई गाइस वीडियो खत्म। तो यार मतलब वजह क्या माइंड लगा के उधर मारा गया। मतलब 36 मतलब नॉर्मल किस्म के मिसाइल जैसा भी डिटेक्ट करके उसको मारना बिल्कुल काम है ठीक है। तो 36 को जैसे ही वो लॉक करेगा 40 किलोमीटर से ब्रह्मोस को मतलब वो करेगा डिटेक्ट तो कहाँ से उसको मारेगा। पहले से 36 लॉक होंगे कहाँ पे मारेगा। यार वैसे इंडिया की स्ट्रेटजी जिस तरह इसने बताई है बहुत यूनिक है और हाँ इंडिया ऐसा कर भी सकता है। मतलब उनकी पहले लोकेशन पता लग जाएगी इतने में वो इसको हिट कर देगा और S-400 के वही जारी बात है। एक दफा एक तरफ एक अच्छा डिफेंस सिस्टम है तो दूसरी तरफ वर्ल्ड का सबसे फास्ट क्रूज मिसाइल है। बिल्कुल वर्ल्ड का फास्ट एकदम वर्ल्ड का बेस्ट डिफेंस मतलब मुकाबला सही बैठा है। वर्ल्ड का बेस्ट डिफेंस सिस्टम और वर्ल्ड का बेस्ट क्रूज वही ना आज हमें पता लगे कि ये मतलब कि इसको इस तरह उड़ा सकता है। पर उसने तो हम भी आज तक सोच रहे थे कि मतलब कि इसका नहीं है तो हाँ, मैं भी यही सोच रहा था कि मतलब तो, मैंने तो यही सोचा कि जस्ट स्टेल्थ आई थिंक यहाँ पे आता नहीं है। स्टेल्थ भी यार डिटेक्ट कर लेता है इंडिया का F-35 मेरे ख्याल में टर्की ने करवाया था यार। पिछले दिनों खबर आई थी कि F-400 को डिटेक्ट करवाया S-400 में टेस्ट किया था उसको वो फिर अमेरिका काफी बढ़ा गया था इस पे यार। मतलब और क्या मतलब एक ही देखा जाए तो मतलब काफी पावरफुल है। ऊपर से अगर ये टेक्निक यूज की जाए तो उड़ सकता है। तो गाइस आप इसके बारे में क्या कहते हैं मतलब आपकी क्या इसके बारे में राय है आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। और मुबशिर इसकी रेंज भी इनके पास जाने के बाद 250 है तो और उसका ब्रह्मोस भी वैसे भी 400 किलोमीटर की रेंज का है तो मतलब मैं कहता हूँ कि कोई मतलब वो नहीं है चाइना के पास तोड़ है फिर ब्रह्मोस। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो बाय।